दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। दिल्ली में मिली करारी हार ने कांग्रेस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक समय था जब कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों का भरोसा था, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ते हुए महाराष्ट्र में सत्ता के लालच में आकर उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाया। उस दौरान भी कई सवाल खड़े हुए थे। शिवसेना और कांग्रेस का बेमिल गठबंधन किसी को रास नहीं आ रहा था। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने के लिए राजी नहीं थी। लेकिन बावजूद सत्ता की लोभी कांग्रेस शिवसेना के घुटनों में गिर गई, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की सरकार नहीं बने। लेकिन अब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शायद कांग्रेस को इसका अंदाजा ही नहीं कि शिवसेना जैसे हिंदुत्ववादी पार्टी से हाथ मिलाना उसे कितना महंगा पड़ रहा है। कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे अल्पसंख्यक अब उनसे छिटक रहे हैं। दिल्ली विधानसभा को ही देख लीजिए। दिल्ली में कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। दिल्ली में 10 से अधिक ऐसे सीट हैं जहां मुसलमानों की अच्छी पकड़ है, लेकिन बावजूद कांग्रेस एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। मुस्लिम मतदाता खिसक कर आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए हैं। आलम यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 4% से भी कम वोट मिले हैं। मतलब साफ है कि अब अल्पसंख्यकों का भरोसा कांग्रेस पर नहीं रहा। अब आगे बिहार में चुनाव होना है। अगर कांग्रेस फिर भी सबक नहीं ली तो मानकर चलिए दिल्ली वाला हाल कांग्रेस का बिहार में भी होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।